अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, सुबह को तकरीबन 8:30 बजे हुआ था। और जो बीडी की रिपोर्ट यही बता रही है कि 5 से 6 किलोग्राम थे बारूद, बाकी तो ज़्यादा आपको डिटेल पता चली होगी। मैं इसे ही विज़िट करने आया यहाँ पे और अभी ज़ख्मियों को देखने के लिए अस्पताल भी जा रहा हूँ और होपफुली हम मुलजमों को पकड़ लेंगे और उनको कैफर किरदार तक पहुँचाएँगे जैसे पहले हमने इनको पकड़ा हुआ है। दीर में भी पकड़े गए हैं बंदे, बाजोड़ के भी बंदे पकड़े गए हैं और इधर जितने भी टेररिस्ट हुए हैं अटैक्स हैं उनमें भी लोग पकड़े गए हैं। तो इंशाल्लाह होपफुली इस घिनौने जुर्म की भी इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी। सर किस तरह होगा, सीसीटीवी की फुटेज है आपके पास या कोई? नहीं, मैं कोई तफ्तीश शेयर नहीं कर सकता। हम तफ्तीश कर रहे हैं कि ये सारी चीज़ें जो आप बता रहे हैं हम इसको देख रहे हैं। सर इससे पहले जो इनको थ्रेट मिली थी 3 दिन पहले बकायदा इसको थ्रेट मिले इस तरह आए थे सीओ बकायदा इनके पास मिले थे, वो भी यही बयान भी दे रहे हैं, फिर क्यों इसको सिक्योरिटी दी गई? आपको बताऊं हमारे पास 30,000 के करीब मस्जिदें हैं और 4,000 के करीब मदरसे हैं, तो आप समझ सकते हो कि जिनकी स्पेसिफिक थ्रेट था, स्पेसिफिक थ्रेड था चारसदा का, स्पेसिफिक थ्रेड था किसी और का, उसको स्पेसिफिकली हमने उनको मोबाइल भी दी थी और उनको गनमैन भी दिए थे 5। स्पेसिफिक थ्रेड कोई यहाँ का नहीं था भाई, जनरल थ्रेड था जिसके बारे में हम पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं, बाकी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि इनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उसके मुताबिक ही हम, इवन हमने कल भी थ्रेट अलर्ट के बारे में एक मीटिंग की थी कि कैसे कैसे इनको निपटा जाए। जो स्पेसिफिक थ्रेट जो था हमने उसको लुक आफ्टर किया था, बाकी जनरल थ्रेट के लिए जो इंतज़ाम होता है। सर, नेटा ने एक अलर्ट जारी किया था क्वेटा के लिए और उसके बाद उन्होंने सेंसिटिव क्लियर दिया था कि ये सेंसिटिव है, तो आप लोगों की फर्दर क्या स्ट्रेटेजी होगी? कुछ दिन पहले काबुल में भी अटैक हुआ तो उसके बाद ये बातें हो रही थी। सर इसी के साथ एक क्वेश्चन ले लें, पीडीएम का जलसा भी आ रहा है, वैसे हम जितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं उतनी दे रहे हैं और हमारे ख्याल में इंशाल्लाह होपफुली, हमें इस वाक़े पर बहुत दुख है और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जितने भी वाक़यात हुए हैं सारे आदमी गिरफ़्तार हुए हैं, क्यों मुलज़िम गिरफ़्तार हुए हैं, बाकी जितने बाकी चीज़ों का तल्लक है हर आदमी को थ्रेट परसेप्शन के मुताबिक सिक्योरिटी दी जाती है और हम वो देंगे सिक्योरिटी और वी विल नॉट एबडिकेट फ्राम द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी और वी विल इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ द सिटी एंड इवन ए KPK एंड इवन ओवरऑल कंट्री। सो इंशाल्लाह वक्त ही बताएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। सर 7 के करीब मैंने सुना है, अभी तक जो अस्पताल से पता चला है वो ये। सनाउल्ला साहब सुबह से पुलिस यहाँ पे थी, मुख्तलिफ टीमें भी यहाँ पर, ये लोग उधर नीचे करो बोल जा रही है, कोई कॉल ट्रेस हुई हो कोई अफगानिस्तान बॉर्डर पर जाने से या कुछ लोग यहाँ पर नहीं? कोई आपने जैसे बताया मैं तफ्तीश पर कोई आई कैन नॉट जंप टू द कंक्लूजन के तफ्तीश शेयर भी करूँ आपके साथ की जाएगी, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो कुछ चीज़ें बताई जाती हैं कुछ चीज़ें नहीं बताई जाती। हमने बहुत से थ्रेट्स जो थे न्यूट्रलाइज किए हैं, CTG ने, मैं आपको बताऊँ 36 अफराद न्यूट्रलाइज हुए हैं और थ्रेट बहुत पहले बड़ा था उसको न्यूट्रलाइज किया है और बाकी ये छोटे मोटे हो जाते हैं वाकयात लेकिन होने नहीं चाहिए। इंशाल्लाह के तर्जुमान ने तो कहा कि CCTV फुटेज हमारे पास है। मैं जो आपको जैसे बताया ना, मैं आई कैन नॉट शेयर दी इन्वेस्टिगेशन, इट विल प्रीजुडिस और बाकी ये सारी चीज़ें जितनी भी फॉरेंसिक हम तफ्तीश कर रहे हैं, फॉरेंसिक तफ्तीश जैसे आपके साथ शेयर जरूर की जाएगी और उम्मीद है कि प्रोग्रेस हो सकता है कि नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट्स से टारगेट हुए उसमें ज़्यादातर उनका ताल्लुक अफगानिस्तान से था और जो डेड हुए वो भी अफगानी हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? मैं आपको बताऊँ यहाँ के आप रहने वाले लोग हो, सारी डायनामिक्स इस इलाके के, इस शहर के आप डायनामिक्स जानते हो, ये सारी बातें जो आप कह रहे हो ये सारे डायनामिक्स हैं इस शहर के और हो सकते इस केस के भी हों और इस मस्जिद के भी हों इस मदरसे के भी हों, ये डायनामिक्स हैं ज़रूर, इन सारे डायनामिक्स को हम देख रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया।